की लाइट आओ जी भाई जी, रख दो कपड़े यहाँ, रख दो लाइट वाइट भी लग गई उधर, लाइट भी लग गई। क्या गवर्नमेंट ने लगाई है, घाट वाले ने? नहीं, ये पुराने पंडा करते हैं। ओह अच्छा, क्या करेंगे? ओह अच्छा अच्छा, कहाँ पे अंदर जाके करेंगे? बीच में बैठ जाना तुम, कोई दिक्कत? हाँ आ जाओ, ऐसे कर डालते हो लेंगे ना। हाँ हाँ, लगने वाले भाई और आगे थोड़ा सा भाई। सो आई रियली लाइक दिस फ्रेम एक्चुअली, द कलर्स आर वेरी सूदिंग राइट नाउ। And I have to shoot on manual because aperture priority में बहुत ज़्यादा high हो जाएगा ISO, so I have to increase the ISO and aperture भी F4 and shutter speed I can lower down. I will go with like this. थोड़ा सा और ISO बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि light नहीं आ रही, 1250 ISO. So I'm shooting with 1635 lens and birds आई, I'm waiting for the birds right now. हाँ आया, बस डन। चलिए अब चलते हैं बोट पे, गणेश भाई हमें बोट पे लेके जा रहे हैं, 80 विजन करेंगे ये लोग, सो वी विल गेट सम शॉट्स मे बी। सम स्टिल स्टक विद दैट फ्रेम। लाइट बहुत कम है अभी, तो ISO ऑब्वियसली मेरे को इंक्रीज करना पड़ेगा इस बार। I also love this frame. काफ़ी अच्छा है आपका, यू नो, रिफ्लेक्शन आपको मिलेगी यहाँ पे पानी में, प्लस कलरफुल है आपकी वॉल्स, तो उसकी रिफ्लेक्शन काफ़ी अच्छी आती है मॉर्निंग में। सो व्हेन यू आर शूटिंग बर्ड्स, ऑब्वियसली आपका सब्जेक्ट जो है वो बहुत फास्ट है, तो आप इसको हमेशा हाई स्पीड पे क्लिक करिए। जब मैं नॉर्मली ह्यूमंस क्लिक करता हूँ, मेरा लो पे होता है, तो एक फ्रेम में दो शॉट लेके ये रुक जाता है, लेकिन जब मैं बर्ड शूट कर रहा हूँ या समथिंग स्पोर्ट्स ऐसा कुछ या वाइल्ड लाइफ, तो आप इसको हाई पे कर सकते हैं, बिकॉज यू वॉन्ट खट 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 समथिंग लाइक दैट। सो ये FPS बहुत काम करता है आपके जब आपको शॉट्स लेने होते हैं। काफ़ी सूदिंग कलर्स आ रहे हैं अभी, सो नाउ आई हैव चेंज माई लेंस, नाउ आई शूटिंग ऑन 85, सो धीरे धीरे लाइट बढ़ेगी। अभी बज रहे हैं 6:18 हो रहे हैं अभी, एंड क्योंकि सर्दी का वक्त है तो थोड़ा सा आपको ना मिस्टी सा दिखेगा, विच एक्चुअली गुड बिकॉज रिवर है, तो रिवर के ऊपर थोड़ा सा मिस्ट होता है, जिसकी वजह से आपको सॉफ्ट स्मूथ फील मिलती है। जस्ट बी केयरफुल जब भी आप शूट कर रहे हो पानी के आसपास, जस्ट बी केयरफुल कि आप बहुत अच्छे से अपने कैमरा को पकड़ के रखें, क्योंकि ड्रॉप ना करें अपना अपने कैमरा को या अपने मोबाइल को आप पानी में ना गिराएं। तो जब भी आप पानी के पास शूट कर रहे हैं, जस्ट बी केयरफुल, सो मच केयरफुल। नाउ द मोमेंट इज गुड एक्चुअली, ओ कम ऑन, स्ट्रीट शॉट, सेल्फी लेते हुए। तो अभी इतने बर्ड्स नहीं आए हैं, अब देखें अभी नवंबर स्टार्ट ही हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे दिसंबर के आसपास आएंगे ना, मिड में दिसंबर या नवंबर एंड में, तो आपको बहुत सारे बर्ड्स दिखेंगे। अभी बर्ड्स की इंटेंसिटी बहुत कम है यहाँ पे, एज वेल एज आई विल सजेस्ट कि आप संडे या सैटरडे को ड्रॉप करें अपना आइडिया, अगर आप प्लान कर रहे हैं यहाँ पे शूट करने का, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारे फोटोग्राफर्स मिलेंगे, क्योंकि जो लोग बाहर से भी आते हैं, दिल्ली के बाहर से, वो भी यूजली सैटरडे संडे ही आते हैं, एंड जो दिल्ली वाले लोग भी हैं, जो जॉब वाले लोग हैं, वो यूजली सैटरडे संडे आते हैं। तो बेटर है कि इफ़ यू कैन अवॉइड, सो अवॉइड टू कम ऑन अ सैटरडे संडे, एंड यू विल गेट अ बेटर शॉट्स एंड लेस फोटोग्राफर्स, तो ऑब्वियसली यूनिक फ्रेम्स ज़्यादा मिलेंगे, वरना मोस्टली फ्रेम्स कॉपी ही होंगे। आई लव दिस, मेरे पास एक बहुत अच्छा शॉट है यहाँ का, आई रियली लाइक दिस प्लेस, लाइक मंदिर का, एंड ये अखाड़ा है आपका, आप देखें तो अखाड़े में ये पानी वानी डाल रहे हैं फिलहाल, तो यूजली ये शूट करने नहीं देते, बट मेरे पास एक दो शॉट है यहाँ के, तो ये अखाड़ा है, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। Yeah.
आंटी ने क्योंकि व्हाइट पहन रखा है और पीछे आपकी यमुना जो है वो डार्क कलर की है, तो काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट बन रहा है यहाँ पे। व्हाइट है आपका मेन सब्जेक्ट, आपका बैकग्राउंड डार्क है, प्लस आपकी बोर्ड भी ऑरेंज में है और यू नो बोर्ड जो उड़ रहे हैं वो व्हाइट में है, तो काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट इधर आपका ग्रे स्केल काफ़ी अच्छा बन रहा है व्हाइट एंड ब्लैक का। तो फ्रेम इज़ गुड इफ़ यू सी। तो यहाँ पे लाइंस हैं, ये लाइंस हैं, ये आपकी रिफ्लेक्शन आ रही है, आपका बोट आ रहा है, ये आपकी लीडिंग लाइंस हैं, तो आपका काफ़ी अच्छा कॉम्पोजिशन बन रहा है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे मेरे को एक सब्जेक्ट मिल जाता कोई खड़ा हुआ वाइट में, स्पेशली इन वाइट, जब ये आंटी यहाँ पे गई थी तो मेरे को ऊपर आना चाहिए था, एक गलती जो मैंने करी नीचे से क्लिक करके, मेरे को पीछे आना चाहिए था ताकि मेरे को यहाँ पे काफ़ी अच्छा कॉम्पोजिशन मिलता। I will compose with this now. कई बार आपको भाग भाग के जाना पड़ता है अपने शॉर्ट्स के लिए, तो मुझे वहाँ से दिखा था एंड आई रियली लाइक द कॉम्पोजिशन। रिपल्स काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, अगर आप देखें तो यहाँ रिपल्स काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, बीच में आपका सब्जेक्ट है, काफ़ी अच्छी रिफ्लेक्शन है, एवरीथिंग इज़ सो फाइन। रिपल्स काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, अगर आप देखें तो रिपल्स काफ़ी अच्छे हैं इस वक्त। आई एम शूटिंग ऑन 125 राइट नाउ F4 एंड 1000 ISO, बिकॉज सब्जेक्ट मेरे से काफ़ी दूर है इस वक्त, तो F4 का इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेट्स सपोज इफ आई एम शूटिंग दिस वॉल, तो अगर मैं F4 रखूँगा तो मेरा जो पीछे वाला बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा, क्योंकि F4 पे आपका आपके लेंस से आपके सब्जेक्ट का डिस्टेंस इतना नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूँ और मैं इस सब्जेक्ट को शूट करूँ तो सब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मेरे कैमरा से वो बहुत ज़्यादा है, तो F4 जो है ना आपके लिए नॉर्मल ही इफेक्ट करेगा, इतनी ज़्यादा आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं आएगी। सो अगर यहाँ पे मैं 2.8 पे भी शूट कर सकता था, अगर मेरे पास 2.8 लेंस होता तो भी काफ़ी अच्छा शॉट आता, डेप्थ ऑफ फील्ड इतनी ज़्यादा नहीं बनती। सो डेप्थ ऑफ फील्ड का काफ़ी तो हर बार ज़रूरी नहीं कि आप F11, F9 पे शूट करें, कई बार आप F4 पे भी शूट कर सकते हैं, बिकॉज अवेलेबल लाइट अब नहीं है मेरे पास। 125 के साथ मेरे पास 1000 ISO आ रहा है, सो आई हैव टू डिक्रीज़ माय अपर्चर, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा ISO बढ़ाऊंगा तो मेरे शॉट में ग्रेन्स आएंगे, अगर मैं शटर स्पीड कम करूंगा तो ये मोशन आनी शुरू हो जाएगी, विच आई वॉन्ट माई सब्जेक्ट टू बी स्टिल आई कैन ट्राई, बट दिस फ्रेम इज़ नाइस, नाउ इट्स नाइस। वेटिंग के बर्ड्स उड़ते हुए आए एंड अगर पीछे बोट आ जाए तो और भी बेटर है। सो आई ऑलवेज लव मिनिमल फ्रेम, तो बहुत ही मिनिमल फ्रेम है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है इस फ्रेम के अंदर, बट स्टिल इट्स लुकिंग रियल नाइस, तो सूदिंग फील देता है कई बार आपको ना। ज़रूरी नहीं है आपके पास बहुत कुछ हो, सब कुछ भरा हुआ आपका फ्रेम दिख रहा है, आपका कॉम्पोजिशन में बहुत कुछ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कई बार आपका सिंपल शॉट भी बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ एक ही चीज़ शूट करें, अगर आप यमुना घाट पे आ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे डोर्स भी मिलेंगे, प्लस यहाँ पे कलरफुल वॉल्स भी हैं, अगर आप देखें तो बहुत ही कलरफुल वॉल है, और वो अंकल वो पंडित जी अभी निकल के गए हैं सामने से, सो आई जस्ट मिस माई फ्रेम, वरना बहुत अच्छे फ्रेम्स हैं यहाँ पे देखिए। तो आई विल ऑल्सो क्लिक सम डोर्स यमुना घाट के, बिकॉज दे आर लुकिंग रियली नाइस, मेरा काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं इवन दिस स्मॉल लॉक, तो ये सीरीज़ वाइज में काफ़ी अच्छे बन सकते हैं। कॉम्पोजिशन काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे, ये डोर्स आ रहे हैं, दो डोर्स,
प्लस तीसरा डोर, तो आपका लीडिंग लाइंस बन रही है, ये देखिए बहुत अच्छी लीडिंग लाइंस बन रही है, प्लस पीछे आपको यमुना घाट दिख रहा है और आपका सब्जेक्ट तो है यहाँ पे। सो आई विल वेट कि कुछ हरकत हो यहाँ पे एंड देन आई विल क्लिक। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, कई बार आप ऑब्जर्व करें तो पीछे आपको ये दो घंटियाँ भी दिखेंगी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको शॉर्ट में नहीं दिख रही, बट अगर मैं हल्का सा जूम इन करके दिखाऊं आपको तो ये देखिए यहाँ पे घंटियाँ भी हैं, तो ये भी आपके कॉम्पोजिशन में आ रही है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको कई बार चीज़ें दिखती नहीं है। सो दिस कॉम्पिटिशन इज़ ऑल्सो नाइस, जिसमें आपके ये दोनों घंटियाँ दिख रही है टंगी हुई, पीछे बोर्ड दिख रही है और यहाँ पे एक अंकल दिख रहे हैं। ऑब्वियसली मेरे को थोड़ा ऊपर से लेना पड़ेगा सो दैट आई विल गेट अ गुड कॉम्पोजिशन लाइक दिस।